उधर कोरोना के मुश्किल दौर में रक्त की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंकों को राहत पहुंचाने के लिए चिकित्सकों ने पहल की है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में मेडिकल स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों के साथ मेडिकल स्टाफ ने भी रक्तदान किया। और इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गिरीश वर्मा, अधीक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील सहित कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील के अनुसार कोरोना गाइडलाइन और धारा 144 के कारण सामाजिक और निजी संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया जा रहा है और कुछ असर कोरोना के भय का भी है, इसलिए कोटा में ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, जिसको दूर करने के लिए डॉक्टर व स्टाफ आगे आया है और सामाजिक संस्थाओं व युवाओं से रक्तदान करने की अपील भी चिकित्सकों ने की है। रक्त की कमी महसूस की जा रही है क्योंकि रक्त बहुत कम दिया जा रहा था, तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, एक साथ नहीं मिल रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मानो कैसे ही मानो तो रक्त की बहुत कमी आ चुकी थी। तो हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना आज के दिन जो कि बाबा साहब अंबेडकर का निर्वाण दिवस है, इनको श्रद्धांजलि तो हम दे रहे हैं, साथ के साथ अगर ये श्रद्धांजलि अगर देते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती बाबा साहब के लिए। अम्बेडकर साहब के निर्वाण तिथि पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है ये अनुकरणीय है और मैं इसके लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन को बधाई देता हूँ। और विशेषतः तो जब रक्त की कमी महसूस की जाने लगी है ऐसे समय में ये रक्तदान इनके द्वारा किया जाना वास्तव में बहुत अच्छा है और आम आदमी को मदद करेगा। सब भीमराव अम्बेडकर जी का निर्वाण दिवस है और वो हम सभी जानते हैं कि हम संविधान जो है उन्होंने उनकी क्या भूमिका थी और आज हम सुरक्षित हैं तो हमारे संविधान की वजह से सुरक्षित हैं। उनके निर्वाण दिवस पर हम डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स आदि जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने ब्लड डोनेशन का निर्णय किया, हर साल वो करते हैं, इस साल ये पाँचवा वर्ष है जब वो कर रहे हैं, इससे अच्छा उनको श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। स्पेशली कोरोना काल में जबकि ब्लड और प्लाज्मा की इतनी आवश्यकता है, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है ये इलाज तो करते ही हैं कोरोना काल में, कोरोना योद्धा तो वो है ही, लेकिन साथ में उन्होंने अपनी तरफ से जो ब्लड देने का ये अनुकरणीय काम आज किया है वो प्रशंसनीय।